नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। हम चर्चा कर रहे हैं अग्निवास कैसे निकालें। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि अग्निवास किस किस पूजन में, किस विधि विधान में, किस कार्यक्रम में देखना चाहिए और किस में बिना देखे ही हवन करना चाहिए, तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग को यदि आवश्यकता हो तो कमेंट करें। तो चलिए आप लोग को बताता हूँ श्लोक और अर्थ सहित अग्निवास कैसे निकालना चाहिए। अग्निवास कैसे निकालें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस श्लोक को याद कर लीजिए, लिख लीजिए पहले अच्छे से, और लिखने के बाद इसे याद कर लीजिए, फिर इसके अर्थ पर बात करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक सुनिए। सैका तिथि वारयुता कृताप्ता शेषे गुणे भे भुवि वह्निवासः। अब हम इसके अर्थ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, वर्तमान तिथि को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिन लें और आई हुई संख्या में एक जोड़ दें, फिर उसमें वार अर्थात दिन की संख्या भी जोड़ दें। देखिए आप लोगों को उदाहरण सहित बताऊंगा। इसमें लिखा है वर्तमान तिथि को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जोड़ें। अगर आप शुक्ल पक्ष में ही अग्निवास देख रहे हैं तो शुक्ल पक्ष ही गिनती करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप कृष्ण पक्ष में देख रहे हैं तो उसी माह कृष्ण पक्ष में यदि देख रहे हैं तो सीधे आप 15 उसमें और जोड़ दीजिए। शुक्ल पक्ष का पहले से ही 15 आप जोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आज पौष मास चल रहा है, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि है। कौन सी तिथि है? नवमी तिथि है, दिन शनिवार है, ठीक है। तो अगर हम कृष्ण पक्ष में निकाल रहे हैं तो 15 हम पहले से जोड़ दिए, ठीक, 15 हो गया हमारा। और इसमें क्या जोड़ना है? तिथि। तिथि हमारी आज कौन सी है? नवमी तिथि हो गई। तो 15 9 कितना हो गया? 15 5 20 4 24। 15 9 हो गया 24। अब इसमें दिन की संख्या जोड़ दें। आज कौन सा दिन है? दिन है आज शनिवार। तो दिन की संख्या कहाँ से गिनती करेंगे? रविवार से। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दिन की संख्या सोमवार से ना करके दिन की संख्या की गिनती हम लोग रविवार से करेंगे, ठीक है। तो रविवार से यदि आप गिनती करते हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का नंबर 7वां नंबर आता है। तो 24 में 7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 7 हो जाएगा 31। इसमें लिखा है कि इन सब को जोड़ने के बाद इसमें एक और जोड़ दें, ये एक नियम है। तो नियम के तहत एक और जोड़ दें तो कितना हुआ था अपना 31। 31 में एक और जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा टोटल 32 32, ठीक है, 32। आगे लिखा है प्राप्त संख्या में 4 का भाग देना चाहिए या भाग दें, ठीक है। तो हमारी प्राप्त संख्या कितनी थी? 32, यानी 32। अब 4 से हम जब भाग देंगे तो 32 कितने में कट जाएगा? तो 4 8 32, 8 बार में ये पूरा कट जा रहा है। हमारा शेष जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 0, ठीक है। यहीं पर वही संख्या आई होती 31, तो कितना शेष बचता? 4 7 28, 3 संख्या हमारी बच जाती, 4 8 32 आ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा कट गया और शेष हमारा आ रहा है 0। नीचे देखिए नियम क्या लिखा है। नियम में लिखा है एक शेष मचे तो अग्नि का वास स्वर्ग लोक में होता है और यह हवन करने पर प्राण नाश अर्थात बीमारियों को देने वाली होती है। 2 शेष मचे तो अग्नि का निवास पाताल में होता है और यह धन नाश अर्थात हमारे घर में धन संपत्ति की नाश करने वाली होती है। 3 या 0 शेष हो तो पृथ्वी में अग्नि का निवास होता है और हवन करने पर सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो अब हमारा 32 से हमने 32 में 4 से भाग दिया तो हमारा शेष कितना बचा? 0। 0 शेष बचने पर क्या होता है? धन और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। हम हवन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी में अग्नि का निवास है, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसे रहा, आप लोग के लिए यूजफुल रहा, अगला वीडियो आपको क्या चाहिए। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय श्रीमन्नारायण।